हाय एवरीवन, मैं अंजनि कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में सिविल इंजीनियरों के लिए जॉब आ चुकी है। सो दोस्त, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस जॉब को आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग की कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्त, आप लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो और लाइक नहीं करते, इसलिए प्लीज़ वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको sarkaririzult.com पर जाना होगा। sarkaririzult.com पर जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लेटेस्ट जॉब, तो आप लेटेस्ट जॉब वाले कॉलम में देख सकते हैं थर्ड नंबर की जो जॉब है यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन आर्मी TGC 131 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म ओपन होके आ चुका है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्ट, यानी कि इंजीनियरिंग के सभी डिपार्टमेंट के लिए इंडियन आर्मी में जॉब आ चुकी है। ओके, फॉर्म फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट है 16/10/2019, यानी कि आज 16/10/2019 है, आज से ये फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और लास्ट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं 14/11/2019, यानी कि फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर 2019 है। ओके, और अप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल OBC 0, ST/SC 0, ठीक है, नो अप्लीकेशन फीस फॉर द ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ओनली अप्लाइड द ऑनलाइन फॉर्म, केवल आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी है। ओके, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, यानी कि केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई, और फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकती। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि पास्ट अपेयरिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच, यानी कि आपके पास सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्ट में इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास या तो बीटेक होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो अभी BE या फिर BTEC कर रहे हैं उनका फाइनल ईयर है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एज लिमिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज 20 ईयर, यानी कि कम से कम आपकी जो एज है वो 20 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 27 ईयर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एज है वो 27 ईयर होनी चाहिए, यानी कि जिन स्टूडेंटों की एज 20 ईयर से कम और 27 ईयर से ज़्यादा है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आप पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं सून 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 लिखा है, मतलब आज शाम तक ये अपलोड कर दिया जाएगा कि कितनी पोस्ट सिविल के लिए है, कितनी पोस्ट मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सब के लिए कितनी पोस्ट है, आज शाम तक ये अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट ऑन 16/10/2009, यानी कि आज 16/10/2019 है, आज की डेट में ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी 16/10/2019 की मॉर्निंग में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है। ठीक, तो आज शायद शाम तक ये लिंक एक्टिवेट हो जाए तो आप यहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई लिंक एक्टिवेट होने से पहले ये भी डिसाइड कर दिया जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितनी पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी है, मैकेनिकल के लिए कितनी, यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है उनकी पोस्ट कितनी होगी, फॉर्म फिलअप करने से पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सून दिखा रहा है, तो फॉर्म लिंक एक्टिवेट करने के पहले वो चीज वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा। ओके, सो दोस्त, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके।